हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और आप दोनों दोनों अभी एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता ही है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ब्रेसलेट की बुकिंग के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मनी से रिलेटेड ब्रेसलेट आप लोग लीजिए, क्योंकि ऐसे ब्रेसलेट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, इसका महत्व अभी आ रहा है क्योंकि दीपावली है ना। और दीपावली में अगर ये आपको कोई गिफ्ट करता है या आप किसी को गिफ्ट करते हो, वाओ वाओ है ये। तो इसका दिवाली में एक दूसरा इफेक्ट होता है, ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं ज़्यादा ब्रेसलेट के बारे में चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बोलने में खुद प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रेगुलर काम है। मैं काम ना करूँ तो भी मन नहीं लगता। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मैं एक दिन बैठ नहीं सकती, इतने ज़्यादा ये होती है मुझे। सो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो कांटेक्ट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड रीडिंग होती है, ठीक है ना। चलिए प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। दोनों के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी आज, ठीक है ना। दोनों के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। सो आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ और आपके पर्सन के लिए निकाल रही हूँ। चलो ये हो गए दो पार्ट में, ठीक है। इधर से आपके पार्टनर के लिए, इधर आपके लिए, ठीक है। चलो मैं देखती हूँ, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाओ, आपके पार्टनर की तरफ से टू ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिस करके सोच रहे हैं, ओह काश काश कभी ऐसा होता। आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, सोलमेट हो जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन ऐसा मुझे नज़र आना, जैसे कि किसी को खुशी नहीं होती। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होती है, आपके पर्सन को बहुत सारे लोग मैनिपुलेट भी कर देते हैं आपके खिलाफ। कह रही तेरा तेरी बंदी या बंदा तो ऐसा है वैसा है, तो अपना टाइम वेस्ट मत कर, ये सब जो है ना, ये सब खेल है बस, है ना। तो तू अपना टाइम वेस्ट ना करियो, चल, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन को कोई है तीसरा जो कि मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ की एनर्जी ऐसी दिखा रही है, बट आपके पर्सन प्यार करते हैं आपसे, आप भी बहुत करते हो, जाहिर सी बात है। अरे मैं वीडियो में किसी ने कहा था कि मैम आप रो रहे हो क्या। अरे मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आवाज ऐसे निकल रही है पागल। फाइव ऑफ कप्स, देखो आप बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत मिस कर रहे हो अपने पर्सन को। और यही मिस करके सोच रहे हो ना कि यार कब तक मैं जुदा रहूँगा या रहूँगी, कब तक मैं जो है ना इस तरीके के सिचुएशन को फेस करूँगा या करूँगी। क्यों? क्योंकि हो चुका है अब बर्दाश्त की हद पार, ठीक है। और आप हो चुके हो इस तरीके से परेशान, उदास हो एकदम से, मुझे यहाँ पे उदास दिख रहे हो। और आज तो अभी तो मुझे दिख रहा है कि एकदम से इस तरीके से निराश होकर के बैठे हो कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, है ना।
मुझे यही सेपरेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा फील हो रहा है, आप यही सोच रहे हो कि पता नहीं, हो सकता है कि किसी और के साथ भी आगे बढ़ गया होगा मेरा पार्टनर। ठीक है, चलो देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, ओके, रखते हैं कार्ड्स को। वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। ओके, यहाँ पे है मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। साइन बता दूँ मैं आपको, एरीज, लियो, सेंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यही साइन है मेरे पास अभी फ़िलहाल। खैर, साइन का उतना कोई नहीं होता है, लेकिन आप लोग जिद करते हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, आपकी तरफ है सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, ओहो, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड नंबर फाइव ऑल्सो। तो नंबर फाइव आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका डीओ भी हो सकता है, आपके पर्सन का डीओ भी हो सकता है, या फाइव नंबर आपका लकी नंबर भी हो सकता है। कुछ लोगों को 555 एंजल नंबर भी दिख रहे होंगे, किसी को 777 भी एंजल नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, किसी को 7575 दिख रहे होंगे और किसी को 5757 भी दिख रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे ये मुझे दिखा है। बात करते हैं आगे के कार्ड्स की, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन अपनी उदासी, अपने परेशानी, अपनी बेचैनी को ख़त्म करने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, अपनी बेचैनी को, अपनी परेशानी को ख़त्म करने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है ये। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। ठीक है, जिससे जो है ना आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं देखूँ तो सेवन ऑफ वैंड्स के एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर जो है ना ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर अगर दिल से मेहनत कर दी जाए, अगर दिल से चाह दिया जाए कि हाँ 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 इस रिलेशनशिप में मुझे वर्क करना है और मुझे जो है ना रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, मुझे रिज़ल्ट चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे इस पर्सन को यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को होप मिल रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि हाँ ये जो है ना, ये जो है ना यहाँ पे ये जो है यहाँ पे काम करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ एक एक उम्मीद की किरण जगती हुई दिख रही है। ठीक है, उम्मीद की किरण दिख रही है यहाँ पे जगती हुई। यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। आपके पर्सन अभी होपफुल हैं अपने अंदर जो है ना, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे तो करना ही, और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मुझे फेस करना ही है, और फेस करके मुझे वो उन मुश्किलों को पार भी करना है। तो मुझे जो है ना न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने की। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, आपके पर्सन सीरियसली दिख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन आने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे, इनके फीलिंग्स हैं आपके लिए, इनके इमोशंस हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत प्यारे हैं आपके पर्सन और आप भी बहुत प्यारे हो। ठीक, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हैं कंफ्यूज। ठीक है, आप शायद जो है ना इनकी कंफ्यूजन की वजह से परेशान हो, आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं। तो खैर, आप ऐसा ना सोचो, ठीक है, क्योंकि आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि ये हमेशा ही जो है ना मुझे घुमाता है, मुझे हमेशा जो है ना बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, तुम्हारे लिए वो करता हूँ कर दूँगा, घर तक कुछ है नहीं, है ना। आखिर ये क्यों ऐसा करता है, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेलता है, मुझे बदनाम करता है, मुझे ब्लेम करता है, मुझे परेशान करके रखा है इस पर्सन ने। आप परेशान हो रहे हो अपने पर्सन के बारे में सोच सोच कर कि ये क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि हाल फिलहाल भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और काफ़ी पहले भी हुई हो। ठीक, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे, आप उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो कि हाँ कुछ कुछ जो है ना यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे आपका दिल जो है ना भर गया है। एक होता है ना कि हाँ यार तू क्या कर रहा है मेरे साथ, है ना, एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि हाँ हम इंतज़ार करते हैं लेकिन हमें फल मिलता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफदायक होती है वो चीज़ें। ठीक,
ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फिलहाल मैं देखूँ ना तो आप भी सोच में पड़े हुए हो कि क्या मैं इस बंदे के साथ खुश रह पाऊँगा, रह पाऊँगी। कहीं शादी के बाद भी मुझसे इसने ऐसे रखे रिलेशन, यानी कि बार बार मुझे तोड़ना, बार बार मुझे तकलीफ़ देना, तो क्या ये रिलेशनशिप आगे जा पाएगा? आप ये सोच रहे हो, लेकिन फिलहाल ये भी सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या डिसीज़न लूं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स मैं देख पा रही हूँ या रहा हूँ। मेरे लिए डिफ़िकल्ट है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। डेली डेली डिफ़िकल्टीज़ मेरे सामने बढ़ती चली जा रही हैं। और डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा है कि मैं जो है ना बता नहीं सकती कितना ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन वाकई में ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस फील करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं यार ये कब तक मेरे साथ ऐसे खेलता रहेगा। कभी बोलता है कि करूँगा, कभी बोलता है कि नहीं करूँगा शादी, और उससे लड़ाइयाँ करता रहता है हमेशा। तो क्या इसके साथ मेरा फ्यूचर बन सकता है? कहीं ना कहीं जो है ना आप सोच में पड़े हुए हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज भी हो। आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हो कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलो फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं कि फ्यूचर को लेकर के आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देख लेते हैं। मैं रीडिंग आजकल तो ज़्यादा लंबी कर नहीं रही क्योंकि हो भी नहीं पा रहा ना मेरे से हेल्थ की वजह से। खैर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, देखते हैं क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ठीक उसी तरह के कैसे कार्ड निकालेंगे हम, आधे कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी, आधे कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकालूंगी। ठीक है, ये हो गए आपके कार्ड्स। ठीक, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का कार्ड। थ्री कार्ड्स ही मैं निकालूंगी इधर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाओ नेचर, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ठीक है, आप जितने मुझे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हो ना, उतने आपके पर्सन मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं आपको लेकर। एकदम आप जो है ना अपने कर्मा के बारे में सोच रहे हो कि अगर वो मेरे भाग्य में है, अगर ईश्वर ने उसको लिखा है मेरे नसीब में, तो वो मुझे मिलेगा। आप कहीं ना कहीं अपने भाग्य यानी कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिख रहे हो और यही सोच रहे हो कि चलो ठीक है, फ्यूचर में अगर हम दोनों मिलते हैं ना तो हमारा भाग्य है, नहीं मिलते हैं तो वो भी हमारा भाग्य है। ठीक है, लेकिन आपको भरोसा है कि आप लोग मिलोगे। चलो और देख लेते हैं। लिसन, थ्रॉट चक्रा, ओहो ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे जो है ना दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को काफी ज्यादा डर है। ठीक, यहाँ पे इनके दिल में दिमाग में कुछ डर मुझे नजर आ रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफी ज्यादा डरते हुए दिख रहे हैं, कुछ रिस्क लेना है उसके लिए भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना डरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिस्क जो है ना लेने से पहले बार बार सोचना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशंस बता रही हैं कि इनको लेना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए आपसे, खुल के बातें करनी चाहिए। इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही है कि आप बात करो खुल के, आपको बात करनी चाहिए खुल के, ऐसे ऐसे दबे दबे नहीं रहना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए खुल के। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना वही है कि रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपके चक्रास ब्लॉक है, ठीक है, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना उनके चक्रास ब्लॉक है। ओके ठीक है, ये आपके पर्सन के कार्ड, ये आपके कार्ड्स। ओके सो यहाँ पे कभी कभी आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपने इतनी मेहनत कर दी है फ्यूचर को लेकर के, आप यही सोच रहे हो कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी है इस रिलेशनशिप में, मैंने इतना अच्छा वर्क किया है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे यहाँ से मूव ऑन हो जाना चाहिए।
फ्यूचर को लेकर के जो है ना आप यही सोचते हो कि मुझे ये ख़त्म करना चाहिए और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे बार बार जो है ना इस एनर्जी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार जो है ना परेशान हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ यहाँ पे, मैं बार बार इस एनर्जी से एकदम एकदम से मैं तकलीफ़ में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप पे लेकिन रिजल्ट आपको जीरो मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना आप यही सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन भी कर जाता हूँ या ख़त्म ही कर जाता हूँ, ख़त्म करके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, देखेंगे आगे जो होगा सो होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे आप यही सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। सो करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए आप, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, बाय बाय।